हे एवरीवन, वेलकम टू स्टेयर आउट। आई एम रुद्राक्ष राज गुप्ता एंड आज मैं गाड़ी MG हेक्टर का एक इंफोटेनमेंट का एक डिटेल वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर हम एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो हम दोनों कवर करेंगे। सो वेट फॉर द एंड इन द वीडियो। इनिशियली हमारे को ये 10.4 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया। दिस इज द इंटरफेस ऑफ द इंफोटेनमेंट सिस्टम। वी हैव द FM radio options over here and we can switch to another facilities from here on the right on the top. We can use the music system place where we can use the USB music system and Bluetooth music system and aux music. हम यहाँ पे हमारे को यहाँ पे कॉलर ऑप्शंस दे रखे हैं, पर हमारे को फ़ोन यहाँ पे ब्लूटूथ से कनेक्ट करना पड़ेगा। साथ उसके बाद हम इसे अपन कॉलिंग भी कर सकते हैं डायरेक्टली। नेविगेशन सिस्टम हमारे को स्पॉन्सर्ड बाय टॉमटॉम है। इट्स एन ऑफलाइन मैप एंड सारा इसके अंदर हमारे को ऑफलाइन मैप्स इसके अंदर स्टोर्ड है। एक क्वेश्चन उठता है कि इस गाड़ी के अंदर बाकी नए अपडेट्स कैसे आएंगे। सो ये इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, बट व्हेन द कार गोज़ टू अ सर्विस सेंटर तो वहाँ पे जाके इसको अपडेट कर देंगे, तो लेटेस्ट जो भी वर्जन आ चुका होगा इनके पास वो अपडेट करके हमारे को दे देंगे। द नेविगेशन सिस्टम इज़ क्वाइट गुड। मैंने उसको कई जगह यूज़ भी करा था एंड इवन इन द स्मॉल रोड्स हमारे को बहुत अच्छे से कवर कर रहा था। बात करें इसके कनेक्टिविटी विद द अदर सिस्टम्स, हमारे को वो एप्पल कारप्ले सिस्टम मिलता है विद एंड्रॉयड ऑटो एंड अपने पास कोई पेन ड्राइव भी हो तो हम डायरेक्टली पेन ड्राइव से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सेटिंग्स के बारे में बता देता हूँ। तो ब्लूटूथ सिस्टम है, यहाँ पे हम कई ब्लूटूथ डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं। इक्वलाइजर है जो हमारे को साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करता है। दिस इज़ द इंटरफेस वेयर हम लोकेशन इसको सेट कर सकते हैं कहाँ पर हमारे को वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए, इन द बैक और इन द रेयर, इन द फ्रंट और कहाँ पर। मैं इसका एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। लाइक इसका हम गाना स्टार्ट करते हैं कोई एक। सो ये इसको हम यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, सो गाने उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सेम है वो है, ऐसा वर्क करता है। यहाँ पे हमारे को वॉल्यूम सिस्टम दे रखे हैं, अप डाउन और वॉल्यूम, मीडिया की एंड फोन की। डिस्प्ले हमारे को वी कैन सेट द ब्राइटनेस ओवर हियर, टाइम फॉर द 12 आवर सिस्टम और 24 आवर सिस्टम एंड स्किन सेटिंग्स। यहाँ पे डायनामिक और एक क्लासिक ब्लू है। डायनामिक में कुछ इस तरीके से चेंज हो जाती है एंड अगर अपन इसको स्विच करें, मेरे को ज़्यादातर ये स्किन इसकी ये क्लासिक ब्लू अच्छी लगी, जो आराम से हमारे को नाइट में भी हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी कंफर्टेबल है वाली चीज़। एंड यहाँ पे USB स्टोरेज एंड फैक्ट्री रीसेट एंड यूज़ मानो ना अबाउट इंजन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट। अब इसका कनेक्टिविटी विद एंड्रॉयड ऑटो कैसी है, कनेक्टिंग थ्रू मोबाइल। सो एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले दोनों में हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमारे को एक ओरिजिनल डेटा केबल यूज़ करनी है टू कनेक्ट विद इट एंड ब्लूटूथ भी हमारा कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम के साथ। तो ये हम एंड्रॉयड कनेक्ट करते हैं इसके साथ। सो हाउ डज एंड्रॉयड ऑटो लुक्स। एंड्रॉयड ऑटो का इंटरफेस हमारे को कुछ ऐसा मिलता है जिसमें हमारे को एक नेविगेशन सिस्टम दे रखा, साथ में एक म्यूज़िक कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। वी कैन यूज़ दी वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम एंड जैसे वॉइस रिकग्निशन लाइक सो हे कैन यू टेल मी व्हाट्स द टेम्परेचर इन जयपुर। The current temperature in Jaipur is 23. So ये से पता लग रहा है काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, काफ़ी अच्छा भी है एंड गाने हम यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। So something like this, यहीं से हम गाने शिफ्ट भी कर लेंगे आगे। So we don't have to use the mobiles for this. So now let's see how the Apple CarPlay works. Apple CarPlay के अंदर इंटरफेस, जैसे हमने एप्पल कारप्ले कनेक्ट करा तो ये एक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, आइकन ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अपन ओपन करते हैं। एप्पल कारप्ले का इंटरफेस कुछ ऐसा है जहाँ पे हमारे को एक नेविगेशन सिस्टम ऊपर दे रखा है एंड एक म्यूजिक बॉक्स यहाँ पे है। हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं गाने एंड कॉल्स हम कर सकते हैं यहीं से कनेक्ट। सो लाइक इफ आई वांट टू कॉल समवन, माय असिस्टेंट कॉल्स और समथिंग, आई कैन कॉल एनीवेयर एंड इसका इंटरफेस मुझे एंड्रॉयड ऑटो से कुछ ज़्यादा बेटर लगा इन मेनी टर्म्स, लाइक प्लेइंग थ्रू सॉन्ग्स। जैसे मैं एक प्ले कर देता हूँ। ऐसा इसका इंटरफेस, वाइल इन दी एंड्रॉयड ऑटो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, कोई वाइड स्क्रीन नहीं, बट इन द एप्पल कारप्ले ऐसा मिलता है। वॉइस रिकग्निशन की बात करें, सो वॉइस रिकग्निशन वर्क्स ऑन सिरी। सो हे सिरी, हाउ इज द वेदर इन जयपुर? It's currently clear and 23 degrees in Jaipur. Temperatures are heading down from 23 degrees to 14 tonight. My weather data is provided by the Weather Channel. So as experience-wise, देखा जाए तो Apple CarPlay is quite better. So जैसे we are receiving any call, तो अगर हम कोई कॉल रिसीव कर रहे हैं तो कुछ ऐसे साइड मिल जाते हैं पे। यहीं से हम कॉल डिक्लाइन भी, and if we want to leave a message for him or a person, we can do it. So that's all for the Apple CarPlay. अब हम चलते हैं how does if we use a pen drive, does this play as a video or if you want to just scramble around some photos or something. अब हम इसके अंदर pen drive कनेक्ट कर देते हैं, देखते हैं कि if we use a USB, how does it works. तो ऐसे करते ही तो files का option इसके अंदर आइकन आ जाता है, तो ये डायरेक्टली म्यूजिक कनेक्ट हो गया, तो ये म्यूजिक USB म्यूजिक से गाने इसमें स्टार्ट हो चुके हैं। सो वी गो बैक टू द फाइल्स एंड एक वीडियो, जैसे दो वीडियोस हैं, लाइक मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड कर रखी है रिगार्डिंग ऑन द MG हेक्टर फॉर द सुपर मॉडल। सो देयर इज अ लिंक अबव, यू कैन गो एंड जस्ट क्लिक एंड सी द वीडियो। सो ये 1080p पे चल रही है, तो आई डोंट सी एनी लैग और एनीथिंग इन द वीडियोस। काफ़ी स्मूथ, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन में चल रही है। इट्स अ प्राइवेट वीडियो, मैं एक नॉर्मल वीडियो चला के देखता हूँ। तो वीडियोज इज क्वाइट गुड, क्वालिटी बहुत अच्छी है। मूवीज़ कोई देखना चाहे, कुछ देखना चाहे तो काफ़ी एंटरटेनमेंट है। वाइड स्क्रीन, इट्स वेरी नाइस। सो इसको चेंज करके अगर हम पिक्चर्स में आते हैं, अगर हम पिक्चर्स देखना चाहें, लाइक मैंने कुछ फोटोज क्लिक करी थी फॉर दी MG, सो कुछ ऐसे टाइप है। सो अगर आप फैमिली में ट्रैवल कर रहे हो एंड यू हैव सम एल्बम ऑफ मैरिज और समथिंग एनिवर्सरीज, तो आप यहाँ पे एज एंटरटेनमेंट या फिर बाकी जो भी हैं गेस्ट अपने घर में, उनको दिखाने के लिए हम इसमें स्क्रैम्बल करके हम चला सकते हैं। सो अगर आप नॉवल पढ़ने की इच्छा में हो, इफ़ यू लव टू रीड सम टेक्स्ट और समथिंग, तो एक टेक्स्ट का भी ऑप्शन है। मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल नहीं है, बट यहाँ पे हमारे को अवेलेबल हो जाती है। हम टेक्स्ट फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल आ जाएगी, सो वी कैन ईजिली रीड इट ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, होप आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।